अगर आपकी गैस स्टोव में भी इस तरह के स्टिकर लगे हैं और वो खराब हो गए हैं और आप नया गैस स्टोव खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अब आपके पैसे सेव होने वाले हैं, क्योंकि आपका गैस स्टोव बिना मेहनत बिना खर्चा के नया हो सकता है। आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ना कोई खर्चा लगेगा ना ही कोई मेहनत, मिनटों में आप गैस स्टोव को नया बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा गैस स्टोव है। जब ये नया था तो ये स्टिकर बहुत ही अच्छे लगते थे और हमेशा गैस स्टोव में इस तरह के स्टिकर लगे हुए आते हैं। धीरे धीरे ये स्टिकर खराब हो गए और बटन के बीच में भी यहाँ पर एक बड़ा सा स्टिकर लगा था जो खराब हो गया, तो मैंने खींच कर निकाल दिया। लेकिन निकालने के बाद ये और ही बेकार देखने लगा, क्योंकि उसकी गम जो है वो निकली नहीं है और बहुत ही गंदा चिपचिपा दिख रहा है। मैं इसे साफ करने जा रही थी तो सोचा चलो ये ट्रिक आपको भी शेयर कर देती हूँ, शायद आपकी भी हेल्प हो जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि आप जो गैस बर्नर के चारों तरफ सफाई देख रहे हैं ना, इतनी सफाई इसे भी मैंने थोड़े दिन पहले ही किया है और इतनी मोटी गंदी परत जमी थी जिसे मैंने बिना रगड़े बिना पानी बिना साबुन बिना सोडा के केवल एक चम्मच सरसों के तेल से क्लीन किया है। बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है, सर्च करके देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप कोई बर्तन खरीदते हैं तो उनमें इस तरह के स्टिकर चिपके होते हैं, इनको कैसे रिमूव करना है चलिए पहले इसे देख लेते हैं। गैस ऑन करके बिल्कुल हल्की सी आंच दिखाना है और गर्म में ही स्टिकर को रिमूव करेंगे इस तरह से, तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, साथ ही गम भी पूरी तरह से रिमूव हो जाती है। तो बर्तन के स्टिकर तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे कि गैस हो गया या भारी कोई बर्तन जो कि जिसके स्टिकर हम इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं तो इसे निकालना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन मेरी इस ट्रिक से मैंने इसे भी बहुत आसान बना दिया है। तो चलिए अब आते हैं गैस के स्टिकर की तरफ। सबसे पहले हमें गैस ऑन करनी है, गैस वेस्ट ना हो तो इसके लिए आप ये काम कुकिंग करते हुए भी कर सकते हैं। तो मैंने मक्खन बनाया था तो उसे ही रख देती हूँ, साथ में घी की प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। अब लेना है हमें एक नाइफ, नाइफ को 2 से 3 मिनट के लिए गर्म करना है, इसके लिए आप कोई भी पुरानी नाइफ का भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो नाइफ गर्म कर लेंगे इस तरह से, और जैसे ही नाइफ गर्म हो जाती है इसे तो जैसे ही नाइफ गर्म हो जाती है इससे हमें स्टिकर निकालना है। गर्म नाइफ से स्टिकर आसानी से रिमूव हो जाएगा। नाइफ को बार बार गर्म करना है और स्टिकर को रिमूव करना है, इसलिए हमें ये काम कुकिंग की प्रोसेस करते हुए करना है जिसमें हमारी गैस भी वेस्ट नहीं होगी। 3 से 4 बार में आसानी से निकल जाएगा बिना मेहनत के। इसी तरह से स्टिकर को गर्म करके हमें हटाना है, सारे स्टिकर इसी तरह से हटा लेंगे, लेकिन इस तरीके से पूरी गम रिमूव नहीं होगी, थोड़ी बहुत गम हट जाएगी और बहुत ज़्यादा इसमें जो पतली पतली गम है वो रह जाएगी, क्योंकि नाइफ को बहुत ज़्यादा हमें रगड़ना नहीं है। अगर नाइफ को आप ज़्यादा बार बार घिसेंगे तो गैस में स्क्रैच पड़ जाएंगे और गैस पुराना दिखेगा। तो हमें स्टिकर को रिमूव करना है और मोटी मोटी गम को भी रिमूव कर देना है, और इसके बाद की प्रोसेस से पूरे दाग रिमूव हो जाएंगे। वीडियो को स्किप किए बिना पूरा जरूर लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि अभी प्रोसेस बाकी है। जब गैस की स्टिकर पूरी तरह से रिमूव हो जाए यानी कि मोटी परत हट जाएगी तो आप देखेंगे कि अभी भी गम का चिपचिपापन पूरी तरह से नहीं हटा है। तो आगे की प्रोसेस के लिए हम एक लिक्विड बनाएंगे जिससे लगाते ही गैस चमचमा उठेगा। इसके लिए एक कटोरी पानी को गर्म करना है और इतना गर्म करना है कि जब तक पानी में उबाल ना आ जाए। पानी जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी आसानी से गम रिमूव होगी। पानी में आधा चम्मच सॉल्ट और आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे, 2 चम्मच के करीब वाइट विनेगर डालेंगे, विनेगर ना हो तो आप इसमें 1 चम्मच नींबू का रस भी डाल सकते हैं। पुराने टूथब्रश का यूज करेंगे और फटाफट से गर्म में ही ये लिक्विड अप्लाई कर देंगे। जैसे ही आप लिक्विड लगाएंगे तुरंत ही बची कुची गम साफ हो जाएगी। अगर घोल ठंडा हो जाए तो इसे दोबारा से गर्म कर लेना है, क्योंकि हमें ये प्रोसेस गर्म में ही करनी है। जैसे ही आप गर्म लिक्विड लगाएंगे तो गम पिघल कर रिमूव हो जाएगी बिना मेहनत के मिनटों में। पुरानी गैस चमक उठेगी, लगेगा कि अभी नई गैस खरीदी है, आप खुद यकीन नहीं करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी गैस जो है वो एकदम क्लीन हो गई है साफ। इसी तरह से पूरी गैस को हम साफ कर लेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी अगली रेसिपी या ट्रिक के साथ।